आपने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब क्या लगता है कि जो पहले बीजेपी में जो उम्मीदें थी वो नहीं मिल पाई, तो क्या यहाँ आम आदमी पार्टी में मिल पाएंगी? उन नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस तरह निकाल फेंक दिया जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है। उन लोगों का कहना है कि फ्री की नीति करने से अप्लाई कहीं ना कहीं हम ओवरऑल कहीं ना कहीं अविकास के मुद्दे पर चले जाएंगे, भविष्य में संकट पैदा होने की बात। परिवार आता था उनका, आओ जी भाई राम सिंह के नाम भारतीय जनता पार्टी, जब यहाँ बीजेपी के अंदर थे, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थे, तो क्या यहाँ पर आपको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी आपको उम्मीद थी? फ्री वाले की बजाय हम लोगों को रोजगार प्रदान करें, उन्हें इस तरह का बनाएं कि उन्हें फ्री की आदत ना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम महेंद्रगढ़ शहर के अंदर भाई राम सिंह की कोठी के नाम से प्रचलित जगह भाई राम सिंह जी के निवास पर बैठे हैं। बाकी मेरे तो ये अंकल जी की उम्र के हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो भाई के साथ ज़्यादा पॉपुलर है। ख़ास तौर पर बात यह है कि इन्होंने हाल फिलहाल जो पार्टी ज्वाइन की है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इससे पहले ये बीजेपी के भी एक सक्रिय जो कार्यकर्ता नेता जो भी थे, और साथ में एक विशेष बात यह है कि पहले ये पूर्व में जिला परिषद भी रह चुके और ख़ास तौर पर इन्होंने विधायक का एक चुनाव भी लड़ा था। तो एक काफ़ी लंबे समय से ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इनसे विशेष चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। बताएं, ये जो आपने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और इससे पहले आप बीजेपी में थे, तो क्यों आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया आपने? जैसा कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के जो भाषण थे, नरेंद्र मोदी की जो बातें थी, उन पर विश्वास करके देश की जनता ने वोट देकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था जी। और बड़ी उम्मीद थी देश को, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की बात हो, दलितों की बात हो, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, व्यापारियों की, जिस कोई भी वर्ग आज इस राज से, बीजेपी से खुश नहीं है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर इस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में राहत दिलाया। आज प्रदेश में ये हाल है, कार्यकर्ताओं को पूछता नहीं है, खुद के इनके नेताओं में काम होते भारतीय जनता, तो वो तो कानून कहता हो ना कहता हो, कानून गैर कानूनी हो, जायज हो ना जायज हो जाते हैं। कार्यकर्ता अगर कोई काम बताते तो बहाना बना लेते, ये तो कानून नहीं कहता, और तो बड़ा भारी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव हुआ है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिन रात एक करके मदद की थी, चुनाव में घर घर जाके वोट मांगे थे, उन लोगों के साथ आज वो लोग जिनके वोट दिलाए थे उनको लोगों कहते हुए हमने आपके कहने से वोट दिए थे और आज हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। तो उन लोगों ने सोचा भाई पार्टी में भी इज्जत नहीं है, काम भी नहीं हो रहे, तो बड़े भारी दुखी है। इसलिए जनता काम न होने के कारण और लोगों नेताओं के व्यवहार के कारण छोड़ना पड़ा जी। क्योंकि हम चाहते हैं जिन लोगों ने वोट दिए थे उनका काम हो, लेकिन उनको काम के बजाय धमकाया गया और उनको अपमानित किया गया, और सम्मानित खुददार आदमी भूखा रह जाता है लेकिन खुददारी नहीं खोता, सम्मान के लिए अपने जीतता है जी। तो इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए मेरे को भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ा और आप पार्टी ज्वाइन कर ली जी। मैं आगे आऊँगा सवाल पर, लेकिन विशेष बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि जो बीजेपी है उसके अंदर कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, और बहुत सारी बीजेपी ने क्या 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 नहीं किया वो तो एक राष्ट्रीय मतलब इश्यूज़ पर बात चली जाएगी। हम महेंद्रगढ़ क्षेत्र की बात करेंगे, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर हम बैठे हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें खास तौर पर, तो यहाँ जो पॉइंट है, आप जब यहाँ बीजेपी के अंदर थे, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थे, तो क्या यहाँ पर आपको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी आपको उम्मीद थी?
जहाँ तक मान सम्मान की बात है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को वोटों की जरूरत थी तो पूरा नेता का जमगाड़ा घर पर रहता था, पूरा परिवार आता था उनका, आओ जी भाई राम सिंह के नाम भारतीय जनता पार्टी की मदद करो और ये करो, चुनाव में कंधा से कंधा मिला के साथ घूमते थे। और जब चुनाव हो लिए और जब लोगों के काम की बात आई तो भाई राम सिंह को उन नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस तरह निकाल फेंक दिया जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है उसको फेंक देते हैं। अच्छा, तो ये इतना अपमान तो कौन बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर भी हमने 7 साल तक उस ढोया। हर आदमी शहर की बात है, किसी गली में, मोहल्ले में, शहर में, बाजार में, मंडी में, कहीं चले जाओ कोई सड़क नहीं, कोई शिविर का इंतजाम नहीं, हर तरह का बुरा हाल है, धूल उड़ती है। आम आदमी को दमे की शिकायत होगी इस धूल उड़ने से, तो लोगों में जब काम ही नहीं होते तो कौन किस पार्टी और किस नेता के साथ साथ कौन देगा, कौन अपमान सहेगा और काम भी नहीं होते जी। जैसा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर पहले मैंडेट मिला पब्लिक का, फिर उसके बाद अब मैंडेट पंजाब की जनता ने भी दे दिया, पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर बनाई, आपने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, अब क्या लगता है कि जो पहले बीजेपी में जो उम्मीदें थी वो नहीं मिल पाई, तो क्या यहाँ आम आदमी पार्टी में मिल पाएंगी, क्या उम्मीद करते? जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है जी, मैं कोई स्वार्थ की राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति करता हूँ जनता की सेवा के लिए, इलाके की भलाई के लिए, प्रदेश की, जिले की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। और आज तक आप किसी से पता कर लो भाई राम सिंह के बारे में कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए या पैसे के लिए या कोई झूठ सच फ्रॉडबाजी की हो, बेईमानी करी हो, कोई भूमाफिया का किया हो या किसी के साथ अन्याय किया हो, आपको एक आदमी वैसा नहीं मिलेगा जो मेरे बारे में बेईमानी के बारे में आपको कहे। जहाँ तक राजनीति की बात है, हर आदमी की मंशा रहती है, जिस फील्ड में भी आदमी होता है जी, चाहे वो कर्मचारी भी है, वो अगर कलर्क लगता है तो उसकी भी इच्छा होती है कि एक दिन हेड कलर्क बनेगा, उसके बाद सुपरिटेंडेंट बनेगा, उसके बाद में तो हॉस के अफसर भी बन जाए। और बहुत से अब देखे हैं हमने, कलर्क लगे थे, SDM से रिटायर हुए हैं। तो हर आदमी की इच्छा होती है आगे बढ़ने की, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जो भी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिस तरह के काम कर रही है, जो केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं, दिल्ली का मॉडल हो, बिजली पानी फ्री हो, हेल्थ फ्री हो, सबसे ज़्यादा समस्या गरीब आदमी को और आम जनता को हेल्थ की और शिक्षा की होती है। बड़े बड़े जो परिवार हैं, नॉर्मल परिवार है, मध्य वर्ग है, उनके बच्चे हरियाणा में बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस की वजह से उनको मजबूरी हो जाती है, पेट काट कर वो फीस भरते। दूसरी तरफ दिल्ली में उन प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है, बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया वहाँ सफाई, बढ़िया वहाँ बैठने का डेस्क वगैरह, AC कमरे, प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया तो वहाँ पढ़ाई होती है, बढ़िया प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है। तो इस करके उनकी जो नीति है ना केजरीवाल जी की, वो दिल्ली में कामयाब हुई। और पंजाब में आते 3-4 काम उन्होंने ऐसे कर दिए, जो पेंशन ले रहे 10-10, 8-8, 5-6-6 पेंशन ले रहे थे MLA, उनकी वो पेंशन एक करने के बाद में पूरे देश में मैसेज गया कि केजरीवाल जी आम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो ही वो MLA खा रहे थे। वो बंद करने से ये पूरे देश में मैसेज गया कि केजरीवाल जी जनता का पैसे लुटेरे ले रहे थे, उसको तो बंद कर दिया और जनता में वो पैसे लगाए जाएंगे तो उससे जनता का भला होगा। तो ये एक मैसेज ऐसा है कि आम देश की जनता इस पर प्रभावित होगी और देश की जनता का पैसा बचेगा जी।
बात करें केजरीवाल जी की नीति की फ्री वाली जो बात कही आपने, खास में उसमें एक मेन जो विषय बात है, मतलब पॉइंट है, वो है आपका शिक्षा और चिकित्सा का। तो शिक्षा और चिकित्सा एक अच्छी बात है, ये आम जन के लिए फ्री होना भी चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे बिजली पानी सब कुछ फ्री करने से कहीं ना कहीं विपक्ष कह सकते हैं आप, या फिर कुछ लोग और भी हैं जो जागरूक लोग कहते हैं अपने आप को, सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं वो लोग, उन लोगों का कहना है कि फ्री की नीति करने से अप्लाई कहीं ना कहीं हम ओवरऑल कहीं ना कहीं अविकास के मुद्दे पर चले जाएंगे, भविष्य में संकट पैदा होने की बात आ जाएगी। फ्री वाले की बजाय हम लोगों को रोज़गार प्रदान करें, उन्हें इस तरह का बनाएं कि उन्हें फ्री की आदत ना पड़े। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जहाँ जिसको ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई की मामला है, इसमें अगर फ्री है, हेल्थ का फ्री है, इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है। इसमें तो सरकार का फर्ज बनता है, चाहे पहले राजा महाराजा तो होते, वो भी अपने प्रजा की भलाई के लिए वैद्य रखते थे, उनका इलाज करवाते थे, तो ये तो कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, अभी फ्री वाली बात है। और ज़्यादा फ्री वाली जो बात है, ठीक है, बजट पे असर पड़ता है, प्रदेश के विकास पे असर पड़ता है, अगर मान लो एक तरफ फ्री दिया जाए, बाकी वो उनको कुछ है उनके अंदर ऐसी शक्ति, उनको ज्ञान है और भाई वो कहाँ से वो ले आएंगे और कहाँ से वो दे रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का पता है अभी कहाँ से पैसे आने और गरीबों की किस तरह सेवा करने, तो वो इसमें कामयाब होंगे, फेल नहीं होंगे। जी, आगामी एक दो दिन पश्चात ही यहाँ पर जो हैं श्री सुशील गुप्ता जी आ रहे हैं, जो हरियाणा अपने आपके संयोजक भी हैं यहाँ पर और सांसद, राज्यसभा सांसद भी हैं, तो क्या किस तरह का कार्यक्रम? 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे रामलीला ग्राउंड में सब्जी मंडी के पास सुशील गुप्ता जी की रैली है और जनता में भारी उत्साह है गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए। और गुप्ता जी पूरे हरियाणा के साथ साथ देश में कई प्रदेशों के को संभाल रहे हैं, पार्टी की तरफ से अच्छे संगठन के अच्छे ज्ञाता हैं, वो आ रहे हैं और हम उनका अच्छा यहाँ स्वागत करेंगे। और उनके आने से आने के बाद में महेंद्रगढ़ विधानसभा में, महेंद्रगढ़ ज़िले में आपको देखने को मिलेगा कि महेंद्रगढ़ ज़िले में आम आदमी पार्टी ही दिखाई देगी, कांग्रेस और बीजेपी तो ख़त्म हो जाएगी। चलिए, बाकी और भी चर्चा करेंगे कभी अगले इंटरव्यू के अंदर, लेकिन आज बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं कर सकते, अनेकों मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर और राजनीतिक गलियारों की जो चर्चा है उसके विषय पर हम एक बार फिर से अब भाई राम सिंह जी के नाम से पॉपुलर हैं, पूर्व जिला परिषद जो हैं, इनसे फिर से मुलाकात करेंगे और इनसे जानेंगे यहाँ के जो विकास से संबंधित बातें हैं उनके बारे में, और साथ में जो राजनीतिक गलियारों के अंदर जो चर्चा हो रही हैं उनके बारे में, राजनेताओं के बारे में, यहाँ से 45 साल से जो दो राजनेताओं का राज है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर एक बड़ा मैंडेट प्राप्त किया, उसके बाद यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी जो है चर्चाएं शुरू होगी, और यहाँ ऐसी चर्चाएं शुरू हुई हैं कि खास तौर पर यहाँ अब पार्टी के एक महीने के अंदर ही दो बड़े कार्यक्रम नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था और अब डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हरे सॉरी श्री सुशील गुप्ता जी जो आ रहे हैं राज्यसभा सांसद 26 अप्रैल को, तो जो कार्यक्रम हैं वो भी हो रहे हैं, लोग बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके क्या विचार हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, क्या फ्री देने वाली जो नीति है वो सही है या नहीं है, क्या यहाँ के हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं जो इस तरीके से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, महेंद्रगढ़ के विकास में किसकी रहेगी अहम भूमिका, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।